नमस्कार दोस्तों, ओके क्रेडिट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जिसके जरिए कम लागत में आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अगरबत्ती के बिजनेस की। अगरबत्ती तमाम घरों में पाई जाती है, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि आखिर अगरबत्ती का बिजनेस किया जाए तो क्या इसमें लागत लगेगी, क्या इसकी कॉस्ट निकलेगी, पैकेजिंग का क्या हिसाब किताब होगा, और सबसे ज़रूरी बात कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें मुनाफा कितना होगा। आज इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आप भी अगरबत्ती का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितनी लागत में आप अगरबत्ती का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 13,000 रुपए की लागत के साथ आप घर पर भी इस बिजनेस को बिना मशीनों के शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगरबत्ती के बिजनेस को मशीन लगाकर शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसको शुरू करने में लगभग 5,00,000 रुपए तक की लागत लग सकती है। इसकी मैनुअल मशीन लगभग 14,000 रुपए की आती है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन 90,000 की और हाई स्पीड मशीन लगभग 1.15 लाख तक आती है। बात अगर जगह की करें तो अगर आप इसको छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप इसे थोड़े बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1,000 स्क्वायर फीट की जगह लेनी पड़ेगी। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि अगरबत्ती के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होगा और इसकी कीमत लगभग मार्केट में कितनी है। कच्ची सामग्री मात्रा मूल्य: चारकोल डस्ट 1 किलोग्राम 13 रुपए, जिगात पाउडर 1 किलोग्राम 60 रुपए, सफेद चिप्स पाउडर 1 किलोग्राम 22 रुपए, चंदन पाउडर 1 किलोग्राम 35 रुपए, बांस स्टिक 1 किलोग्राम 116 रुपए, परफ्यूम 1 पीस 400 रुपए, DEP 1 लीटर 135 रुपए, पेपर बॉक्स 1 दर्जन 75 रुपए, रैपिंग पेपर 1 पैकेट 35 रुपए, कुपम डस्ट 1 किलोग्राम 85 रुपए। आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी घर से गुजरते हैं तो उसके घर की अगरबत्ती की खुशबू इतनी हमारे अंदर समा जाती है कि उस घर की पहचान, उस घर की पॉजिटिविटी हमारे साथ ही चल पड़ती है। और आपको बताऊं मैं ये बात कि जो खुशबूदार अगरबत्तियां होती हैं उसको एक विशेष तरह की सुगंध में डुबोया जाता है। किस तरह से ये खुशबूदार अगरबत्ती बनती है और अगर आप भी इस तरह की अगरबत्तियों का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रक्रिया रहेगी आपको ये बताते हैं। अगर आप खुशबूदार अगरबत्ती बनाना चाहते हैं तो सुखाने के बाद अगरबत्ती को एक विशेष तरह की सुगंध वाली सामग्री में डुबोया जाता है। इसके लिए बाजार में उपलब्ध डाइथल थालाटे, जिसको DEP भी कहा जाता है, और सुगंधित परफ्यूम को 4:1 के अनुपात में यानी 4 लीटर DEP में 1 लीटर परफ्यूम मिलाकर इसमें अगरबत्तियों को डुबोकर सुखाने के बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है। ये रॉ मटेरियल आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। कुछ कंपनियों के नाम भी हम आपको बता देते हैं, जैसे कोलकाता में कृष्णा ग्रुप, दुर्गा इंजीनियरिंग, लोकनाथ अगरबत्ती इत्यादि कई कंपनी इन सामग्रियों को उपलब्ध कराती है। अहमदाबाद में MK पंचाल इंडस्ट्री, अमूल अगरबत्ती वर्क्स और शांति एंटरप्राइज जैसी कई कंपनियां हैं जो शहर में इन सामग्रियों को उपलब्ध कराती है। आप अपने शहर के अनुसार इस तरह की कंपनियों को वेबसाइट के माध्यम से ढूंढ सकते हैं और रॉ मटेरियल ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी दे देंगे जिनकी मदद से अगरबत्ती में लगने वाली रॉ मटेरियल ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। अब जैसा कि हर वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है देखिए। इस बिजनेस को आपको बड़े स्तर पर शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे पहले कंपनी के आकार के अनुसार आप ROC में अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लें। ऐसा करने से निवेशकों को आपकी कंपनी पर भरोसा आएगा और साथ ही कागजी कार्रवाई में आपको इसका लाभ मिलेगा। अपने बिजनेस लाइसेंस के लिए स्थानीय प्राधिकारी के पास आवेदन दें, वहां से बिजनेस पैन कार्ड लें, करंट में एक बैंक अकाउंट खोलें, अपने बिजनेस को SSI यूनिट में रजिस्टर करा लें। इसके बाद वैट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें, साथ ही व्यापार को चिन्ह यानी बिजनेस लोगों को पंजीकृत करा लें ताकि आपकी कंपनी का ब्रांड नेम सुरक्षित रहे। अगर आप बड़े स्तर पर अपने बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपने
विनिर्माण यूनिट के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC प्राप्त कर लें और फैक्ट्री का लाइसेंस भी ले लें। अब बात आती है कि अगर आप अगरबत्ती का बिजनेस जो है बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इसके लिए मशीनरी के भी इस्तेमाल होगा। तो मशीनरी कौन सी आती है और कैसी मशीनरी अगरबत्तियों के लिए यूजफुल है ये देखिए। आप बड़े या छोटे स्तर जिस भी रूप में बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं उसके अनुसार मशीनों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर अगरबत्ती को बनाने वाली मशीन 3 तरह की होती है, पहली मैन्युअल, दूसरी ऑटोमेटिक, तीसरी हाई स्पीड। ऑटोमेटिक मशीन, इसके साथ ही कच्चे माल को सुखाने के लिए मशीन, कच्चे माल को मिलाने के लिए अलग से मशीन ले सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन, अगर आप अगरबत्ती का बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं ऐसे में ऑटोमेटिक मशीन आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा। ये मशीन 1 मिनट में 150 से 180 तक अगरबत्ती का उत्पादन कर सकती है। हाई स्पीड मशीन, इस तरह की मशीन में आपको कम कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन होती है, इससे आप कम मजदूरी खर्च पर ज्यादा अगरबत्ती बना सकते हैं। ये 1 मिनट में 300 से 450 तक अगरबत्ती बनाती है। इसके अलावा अगरबत्ती को सुखाने के लिए जो मशीन आती है उसकी कीमत है लगभग 25,000 रुपए। तो चलिए, आपको हमने ये पूरी जानकारी दे दी कि आखिरकार अगरबत्ती का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं और आपको कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो सेटअप लगाने के लिए चाहिए होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचे। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो बिजनेस से जुड़ी हुई तो आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें बता सकते हैं ताकि हम उसका भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर और आप तक उस वीडियो को पहुंचाएं, उस क्वेश्चंस के आंसर्स को पहुंचाएं। फिलहाल नमस्ते। OK क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।